जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज यूपी पुलिस का पेपर समाप्त हो चुका है। आज 31 अगस्त है, यूपी पुलिस का पेपर आज खत्म हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई यूपी पुलिस का 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 30 और 31 तारीख का पेपर देखते हुए कि भाई यूपी पुलिस की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, इस बार कितने क्वेश्चंस बच्चे करके आए या कितने नंबर्स पर बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और ये जो जानकारी दी जा रही है, ये बच्चों से बात करने के बाद, पुराने डेटा को एनालिसिस करने के बाद, 2018-2019 में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उस कट ऑफ को देखने के बाद, पूरी एनालिसिस करने के बाद ये फाइनल कट ऑफ बनाई गई है। इतने नंबर अगर आपके हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन तैयार है। आप अभी से फिजिकल अपना देना, फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की क्या रहेगी। ये बच्चों के मन में डाउट है, क्योंकि सब लोग पेपर दे चुके हैं कि सर इतने नंबर हमारे आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देख लीजिए आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे 2018 की कट ऑफ के बारे में। 2018 में यूपी पुलिस की जो वैकेंसी निकली थी वो निकली थी 41,520। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें अच्छे तरीके से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आप देख रहे हैं 41,520 पद निकले थे 2018 में, और फॉर्म भरे गए थे 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अगर कंपटीशन का रेशियो देखेंगे तो एक सीट पर 53 लोग थे, मतलब एक सीट पर 53 लोगों की फाइट थी। अगर यहाँ पे देखें कि कट ऑफ 2018 में क्या रही थी, तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी का था उसके 225 नंबर अगर आए थे तो उसका सिलेक्शन हो गया था, और ओबीसी वाले बच्चे का 217 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, और एससी वाले बच्चे का 188 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, और एसटी वाले बच्चों का 153 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। ये सन 2018 की कट ऑफ है जनरल ओबीसी एससी और एसटी की। 225 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन मेरे प्यारे बच्चों इस 2018 में हो गया था। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों 2019 की, कि सर 2019 का क्या रहा था, तो 2019 में अगर आप देखेंगे 49,568 पद निकले थे, 49,568, और यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए थे 19 लाख, मतलब यहाँ पर फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी। यहाँ पर जो रेशियो था वो एक सीट पर 39 लोगों का रेशियो था, एक सीट पर 39 लोगों की फाइट थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, जनरल वाले बच्चों के लिए 186 नंबर पर कट ऑफ गया था, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 173 नंबर पे कट ऑफ गया था, एससी वाले बच्चों के लिए 145 नंबर, और एसटी वाले बच्चों के लिए 115 नंबर की कट ऑफ थी। ये था सन 2019 का मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं अब की, कि सर 2024 में क्या होने वाला है। तो 2024 की अगर बात करें, यूपी पुलिस 2024 का जो री एग्जाम हुआ है, यहां पर टोटल पद थे 60,244 पद, यहां पर फॉर्म भरे गए थे लगभग 48 लाख। पर आपको पता है री एग्जाम होने के कारण बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है। न्यूज़पेपर में भी निकला था कि बहुत सारे बच्चे पेपर देने नहीं जा रहे हैं। 1/3, मतलब 48 लाख के कम 1/3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। अगर 48 लाख का 1/3 निकालेंगे तो लगभग 16 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ी है। ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, ये मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो आप देखेंगे 48 लाख में से अगर 16 लाख लोगों ने परीक्षा नहीं दी होगी तो परीक्षा देने वाले 32 से 33 या 35 लाख तक लोग होंगे जिन्होंने परीक्षा मेरे प्यारे बच्चों दी होगी। मतलब यहाँ पर कंपटीशन 48 लाख लोगों का नहीं है, यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो 33-34 लाख लोगों का कॉम्पिटिशन है सिर्फ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक सीट पर 54 विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं। अगर सभी लोग पेपर देते तो एक सीट पर 79 लोगों की फाइट थी, पर विद्यार्थियों की संख्या कम होने से एक सीट पर 54 लोगों की मेरे प्यारे बच्चों इस बार की फाइट है। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ की, और कट ऑफ जो है
मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगा। ये इस बार की हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप इतने नंबर ला रहे हैं जो मैंने लिखा है, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। इतने नंबर आ रहे हैं तो अभी से अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं पहले मेल कैंडिडेट की बात करूं, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और अगर आपके 210 नंबर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 210 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आज से ही अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो 207 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। अगर एससी कैटेगरी में है तो 190 नंबर तक अगर आ रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर एसटी कैटेगरी में है तो 175 नंबर तक आपका फाइनल सिलेक्शन मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा। अगर आप फीमेल में है, फीमेल में अगर आप जनरल कैटेगरी में 195, ये मैंने मैक्सिमम नंबर लिखे हैं, हो सकता है कट ऑफ एक आध दो तीन नंबर नीचे आ जाए, पर इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। हो सकता है कि फीमेल की कट ऑफ 195 की जगह 192 ही चली जाए, कम हो सकती है, पर इससे ज्यादा कट ऑफ मेरे प्यारे बच्चों मुश्किल ही जाएगी, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है। 195 आप देख रहे हैं, अगर फीमेल में जनरल कैटेगरी में 195 नंबर अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 193, एससी में 180 और एसटी में अगर 165 नंबर अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। ये इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर इतने नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें। उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।